भला है और हिंदुस्तान के मुसलमान इससे क्यों परेशान है? यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार कहती है इससे किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को इस मुल्क के शहरी होने पर कोई भी आंच नहीं आएगी। फिर यह CAA के खिलाफ मुहिम किस लिए? दरअसल सरकार को चाहिए कि असली मुद्दे को समझे। मुद्दा यह है कि CAA के बाद NRC आएगा और जो लाखों कमजोर माली हालत वाले मुसलमान हैं वह म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? डर यह है कि उस वक्त मुसलमान की शहरीक यानी सिटीजनशिप खारिज कर दी जाएगी, जबकि बाकी मजहब के ऐसे लोग जिनके कागजात नहीं हैं उन्हें CAA के तहत मुहाजिर यानी रिफ्यूजी ठहराकर इंतखाबात यानी इलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। हमारे सियासतदान अगर मुसलमानों का यह डर दूर कर दे तो फिर कैसी फिक्र और कैसा मुहिम? जय हिंद।